तो यहाँ पे देखते हैं भाई क्या क्या चेक करते हैं, पासपोर्ट ही चेक करेंगे, उसके बाद बैग का वेट चेक कर लेंगे। तो आएगा दिल्ली का ठेका, भावना इधर नहीं देखा ठेके उड़ी पे। चल बेटा था अभी तभी कहीं बार ठेके में बैठ जा, ना 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 सीधा चल ना। क्या खाएगा बेटा? ओके भाई सारा एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या क्या है ब्रेकफास्ट में। लो जी भाई विंडो सीट तो है बट इस पे विंडो तो कोई भी नहीं है ना। तो लो जी यहाँ से आपको पता लग जाता है कि भाई आप डबलिन में आ गए इस टाइम, तो बैगेज क्लेम दूर नहीं आ जाता। तो भाई अब जो मेन चैलेंज रहेगा ना वो सामने देख रहे हो ना भाई, कस्टम वहां से जाना है हमने और बैग के अंदर। तो हाँ जी हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग, दिस इज सचिन। और जो आज की वीडियो है दिल्ली एयरपोर्ट टू डबलिन, जब आप जा रहे हो डबलिन एयरपोर्ट के लिए दिल्ली से, तो यहाँ पे क्या पूछते हैं वो मांगते हैं भाई आपसे सॉफ्ट कॉपी। जब आप बोर्डिंग करते हो, जैसे आपने चेक इन कर लिया एक दिन पहले, तो वो बोर्डिंग कॉपी जो आपके पास ईमेल पे आती है वो पूछता है यहाँ पे। जैसे मेरे पीछे आपने काउंटर देखा है, जैसे एंटर करते हो आप एयरपोर्ट के अंदर, तो भाई अपना सारा सामान रखा है, रायन भी है साथ में और भावना भी है साथ में। बेटा क्या देख रहे? हाँ वो देख रहा है कि ना भाई ना बाहर ही रहेगी, जो फैमिली आई हुई थी भाई वगैरह आए हुए थे। यहाँ पे आके हमने क्या चेक करना है? देखो भाई हमारी फ्लाइट है 9 बजे की, तो अब तक 9 बजे का कोई भी काउंटर इन्होंने ओपन नहीं कराया। अभी 8:40 तक सारे उन्होंने बता दिया कि भाई यहाँ पे जाना है, अपने बी पे जाना है, एफ पे जाना है, सी पे जाना है। तो अभी वेट है नहीं, हम पहले आ गए काफ़ी। हमारी 9 बजे की फ्लाइट है और अभी 5:30 हो गया है, तो आधे घंटे में नहीं पता लग जाएगा हमको कौन से काउंटर पे जाना है। वहाँ पे जाके भाई हमने ये सारे अपना बैग वगैरह चेक इन करा लेना है। अपना कहीं पे जाके बैठते हैं अपना बेटा रैन, कहीं पे जाके बैठते हैं अदरवाइज हम थक जाएंगे। आप तो सो के आए सारे रास्ते है। कैसे रहा ट्रिप 21 दिन का जो हमने इंडिया में स्पेंड करा? मजा आया, बहुत बढ़िया रहा। शादी भी होगी, दशहरा भी हो गया, छोटे मोटे फंक्शन भी हो गए और गोलगप्पी टिक्की भी हो गए। स्ट्रीट फूड ना मैंने भी बड़ा चखा, वेट इस टाइम बहुत बढ़िया। हाँ बेटा बेटा तना तो सारे रास्ते तंग करना, अपने वेट मशीन भी लग रही है। अगर आपका वेट चेक करना है जैसे अपने बैग का, कई बार बंदा कंफ्यूज हो जाए ना कितना वेट है, ज्यादा तो नहीं लिया। तो लो भाई अपना काउंटर नंबर है के। चलो भाई इधर है सामने रैन बेटा, अच्छा ज्यादा नहीं भाग अब ठीक है? हाँ ज्यादा नहीं भाग बेटा, भाई साहब इसने तो परेशान कर दिया अभी तो, और अब तक तो जहाज तक पहुंचा ही नहीं आया, अभी तक तो काउंटर पे नहीं गया है। तो करते हैं भाई अपना चेक इन यहाँ पे, अपना बैग वगैरह ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पे वो पूछता है कि अगर आपके बैग में कोई चेक इन बैग में कोई भी जैसे बैटरी वगैरह हो तो आपको बाहर निकालनी है। तो ये भाई ऑनलाइन चेक इन का काउंटर है, देखो यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं है। अच्छा बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पे देखते हैं भाई क्या क्या चेक करते हैं, पासपोर्ट ही चेक करेंगे, उसके बाद बैग का वेट चेक कर लेंगे। बेटा अभी नहीं, अभी वेट चेक होएगा, इधर आ जा। तीन बैग है सर चेक इन के ना, अबू धाबी से डबलिन गेट नंबर 1 पे जाना है। ठीक है सर, थैंक यू। 8 बजे से पहले बोर्डिंग शुरू है, 7:30 तक गेट पे आ जाइए। और इसके बाद अपना ट्रॉली वो देखो पहले तो सामने बावन के चक्कर लगा रखे। तो भाई ये ट्रॉली अपना यहीं पे लगा के अपना सामने वो है अपना इमिग्रेशन, वहां से हमने क्रॉस करना है भाई, उसके बाद सिक्योरिटी क्रॉस करनी है, फिर जाना भाई बोर्डिंग पे। और बोर्डिंग का भी टाइम भाई 8 बजे का, पूरे 8:05 पे। इनमें से कोई भी सामान अंदर और लिक्विड तो नहीं है, ये लिख रखे उन्होंने कि ये सामान लेके नहीं जाना। तो इसके बाद अपने यहाँ पास में इमिग्रेशन मेरे पीछे, और इसके बाद अपना सीधा करते हैं सिक्योरिटी क्रॉस। सारा सामान ले लिया? चल बेटा रायन अपना बैग ले, सारा सामान हो गया ना। तो भाई अब निकले अपना सीधा बोर्डिंग गेट पे, और साथ में देखते हैं कुछ सामान सामून ले लेंगे। आएगा दिल्ली का ठेका, भावना इधर नहीं देखा ठेके उड़ी पे। चल बेटा था अभी तभी कहीं बार ठेके में बैठ जा, सीधा चल ना। दारू की बोतल देखा कह रहा है, और इसने देखा भावना कोई बोतल ना फोड़ता, यानी बिना मतलब के पैसे देने पड़ जाएंगे। टाइम पूरे 6:30 हो गए, और हमको लगा भाई पूरा 1 घंटा, जैसे 5:30 हम आ गए थे यहाँ पे। और दिल्ली एयरपोर्ट है नहीं, क्वाइट है, इतना बिजी नहीं है, इतना क्राउड नहीं था अंदर जब हम आ रहे थे। मे भी जैसे डिफरेंट टाइम पे हम आ रहे हैं, मोस्टली फ्लाइट होते हैं ना मॉर्निंग टाइम पे होती है। भैया एयरपोर्ट के अंदर एक छोटी सी दुकान है, वैसे तो काफी ज्यादा हर जगह पे आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पे क्या है ना इंडियन अपना सामान देख, जो प्राइस है भाई इसका ये देखो 2500 गया। अगर ये भाई एयरपोर्ट के बाहर लगी हुई तो 100 रुपए की मिल जाएगी आपने। बेटा आराम से बैठ गया, अच्छा तंग कर रहे ज्यादा। ठीक है बेटा आप ना 2 मांग रहे थे, हाँ मम्मा ने मारा, ठीक है कोई नहीं। तो भाई अभी टाइम भी 7 बज गए और अभी 1 घंटा हो रहा है भावना ना, तो ऐसे टाइम वेस्ट या फिर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे। ये अपना ऊपर ही फूड हॉल है दिल्ली एयरपोर्ट पे, यहाँ पे है भाई चाट वाला। तो देखते हैं क्या खाना है भावना, क्या खाना, डोमिनोज खाना, सबवे लेना या फिर मैकडोनल्ड। इधर आ गया भाई अपना डोमिनोज, तो इसका भाव उन्होंने खाना है डोमिनोज का पसंद करा है। बेटा ऐसा थोड़ा दे देंगे, पैसों के साथ देंगे, पैसे देने पड़ेंगे आपके लिए ना। मम्मा लेने गई है वो सामने चिप्स, चिप्स खागा बेटा है ना, ना इसका
नमनाकाई, नमनाकाई इधर है बेटा। नमनाकाई का मतलब है भाई कि नमनाकाई मतलब कि यानी कि जो खाने की होती है ना उसको बोल लेता है कि नमनाकाई। बोले आई मम्मा आपके पास से नमनाकाई। चलो कोई नहीं खा लेगा। तो भाई यानी वे खा पी के निकलते हैं और एयरपोर्ट पे उन्होंने क्या क्या मांगे भाई? हाँ पासपोर्ट, अपना ओसीआई कार्ड अगर आपके पास जैसे फॉरेन का पासपोर्ट है उसके साथ उन्होंने गार्डा कार्ड जो कि आयरलैंड में बोलते हैं, और उसके बाद कोई पीसीआर टेस्ट वगैरह ना कुछ नहीं होया जैसे, वो तो सब कुछ बंद ही होगा, पैसेंजर लोकेटर फॉर्म वगैरह तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है दिल्ली एयरपोर्ट। अभी पिज़्ज़े की वेट हो रही है तो खा पी के निकलते हैं। अभी टाइम भी 7:15 हो गए, 8 बजे अपनी बोर्डिंग होनी है, तो उसके बाद भी ईरान ने तंग करना, अभी ये बैटरी अपनी चार्ज कर रहा है, फिर मिलते हैं आपको सीधा दुबई पे। चलो भैया अपना है गेट नंबर 1 एतिहाद। चलो बेटा इधर आ जाओ। चलो 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 आराम से बेटा आराम। पहले ही वही गेट नंबर 1 है तो यहीं से ही अपना, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ने का। इतना छोटा प्लेन तो भावना पहली बार देखा है। टेम्पो आया प्लेन है भाई लाई टिक्का लगा रखा है। हाँ यूं लगेगा अभी भावना नहीं खरीदी होगी इन पे दारू। अरे नहीं 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 बेटा। चलो भाई फाइनली अपना टाइम से रह गया बोर्डिंग गेट पे। चलो बेटा आ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ। बस इसकी भी कसर रहेगी दीबा, उन्होंने परोठा भी ले खाई, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, चिप्स खा लिया, ड्रिंक पी ली, अच्छा पूरा भर रखा। इधर बोर्डिंग होने लग रही, वो क्या डायपर चेंज हो रहा है बेटा? देख लिया बेटा, अब तो कैमरे में सबने देख लिया। तो भाई यानी मैं अपना प्लेन भी नीचे ही खड़ा, वो सामने सुरंग से मैंने जाके लास्ट में जाके एतिहाद एयरवेज। तो भाई फैमिलीज है जिनकी इन्फेंट, चला जाओ भाई। चलो चलो रॉयन चलो चलो। और ये दिख रहा भाई साइड से अपना पास ही एतिहाद एयरवेज। बेटा ऊपर उठाओ, वेरी गुड। चलो चलो जी खाली पड़ा है भाई अभी तो प्लेन। हाँ सीधा जाओ बेटा नंबर 45 पे बैठना अपना। लो जी भाई विंडो सीट तो है बट इसमें विंडो तो कोई भी नहीं है ना। हम सारा सर लड़ते हैं अरे भाई विंडो पर मैं बैठूंगा, विंडो पर मैं बैठूंगा। और ये है भाई विंडो सीट, पीछे भी विंडो है, आगे भी विंडो है भाई। हाँ तो कुछ भी नहीं है तो पहली बार देखी। हवा के भी लगाना भूल गया भाई एक विंडो ना। ला भाई किस्मत तो ऐसी है भावना। निकलते हैं सीधा दुबई के लिए, लगने हमको 4 घंटे के करीब ही, और उसके बाद वहाँ पे स्टे है अपना 2-3 घंटे का, फिर अपना सीधा डबलिन। प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ रहा जो यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे, कोई ऐसी जैसे पहले बताया भाई क्या कुछ उन्होंने मांगा, इतनी कुछ फॉर्मेलिटी वगैरह नहीं अभी। चलो भावना यही सोना। चलो भाई उठ 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 उठ। चलो जी फाइनली अपना दिल्ली से लैंड हो गया फ्लाइट अपना अबू धाबी, और टाइम भी इस टाइम पूरे 1 बज गए। एक बैग तो नारायण ने उठा लेना था, तो ये सारे बैग लेके जाने हैं भाई अपने, सिक्योरिटी उधर कहीं पे होगी। हूँ इधर देखिए ज्यादा धक्का सा नहीं लग रहा, कोई फ्लाइट कैंसिल कुंसल तो नहीं होगी? तो भाई चेक करा अपना स्क्रीन पर जाकर, कोई फ्लाइट होपफुली कैंसिल ना हो अपनी। सही है भाई 0:55 यानी कि 12:50 पे 55 मिनट पे अपना गेट शो होगा। ठीक है भावना कोई कैंसिल नहीं है। चलो जी बोर्डिंग होगी शुरू, भावना बस में जाना पड़ेगा बाहर तो होगा ना। हाँ वो देख सामने। चलो 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 चल भावना 40 हाँ बीच में है। चलो कि भारत ने बीच वाली सीट पर बैठा दिया और विंडो सीट हिंदी है, तो अपना भाई पहुंच जाना 7 घंटे में। रायन सो के जाइए बेटा, ठीक है ज्यादा तंग नहीं करिए मम्मा ने और पापा ना। भाई रायन का दूध हो गया फिनिश, होपफुली यहाँ पे मिल जाए भाई, बेबी मिल्क भी मिल जाता है वैसे ना। अब भाई रायन खाएगा खाना यहाँ पे ना बेटा। क्या लेगा बेटा? आमलेट देगी आंटी, गोरी आंटी, ठीक है। थैंक यू। क्या खाएगा बेटा? नमनाकाई। अच्छा सारा ओके भाई, सारा एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या क्या है ब्रेकफास्ट में। इसे खोल के देख बेटा इसमें क्या आया। वाओ बेटा सोचते जाके गलती तो ये नहीं है अपने खाना ना। लो भाई इस टाइम टाइम रह गया पूरे 58 मिनट। 40,000 फीट की ऊंचाई पे है और 527 की ये माइल्स पर आवर की स्पीड पे चल रहा है। बेटा कैसा लगा ब्रेकफास्ट? तो लो जी यहाँ से आपको पता लग जाता है कि भाई आप डबलिन में आ गए इस टाइम, तो बैगेज क्लेम दूर नहीं आ जाता। मम्मा किधर है? हाँ मम्मा भाई कैब भूल गया रायन की और प्लेन में है, तो वो अभी देखने गई है, होपफुली मिल जाए और उसके बाद अपना सीधा बैग लेके जाना है। बेटा हमने इमिग्रेशन वहां पे जाके पासपोर्ट दिखाना है, फिर बैग कलेक्ट करना है, तो सारा प्रोसेस नियरली होने वाला है 15 से 20 मिनट का। वही थी अच्छा अच्छा ठीक है। चलो फिर कहाँ से चला? चलो इधर सीढ़ियों से चला है ना।
चलो भाई यहाँ से करना है अब नेक्स्ट हमने बैगेज क्लेम इमिग्रेशन के बाद। देखते हैं कौन सी बेल्ट पे है अपना जो बैग आया है। अपने दो बैग है ये, एक दो और अभी तीसरे बैग की वेट हो रही है। तो भाई अब जो मेन चैलेंज रहेगा ना वो सामने देख रहे हो ना भाई कस्टम, वहां से जाना है हमने और बैग के अंदर है भाई घी, तो घी यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे लेके आना। तो होपफुली भाई ट्राई करेंगे कैसे निकलेगा, निकल जाएगा भावना घी। मैं ट्राई करूंगी ना भावना को दे दूंगा भाई जिस बैग में घी है, अदरवाइज क्या करते हैं वो फेंक देते हैं यानी कि ना। तीसरे बैग की वेट हो रही बस आने वाला होना होपफुली। वो ये आ गया अपना अराइवल डबलिन एयरपोर्ट पे और भावना और राइन भी निकल गया और भाई मैं भी निकल गया था आराम से। बस एक ना छोटा सा सजेशन ही आ गया, जैसे अगर आपके पास घी वगैरह होता है ना तो आपने ट्राई करनी है कि ना घी का जो बैग है वो अपनी वाइफ को दे दे और उसके साथ जो बच्चा है उसको दे दे, तो वो फिर बड़ा कम चांस होता है कि आपको रोकेंगे वो कस्टमर को। घी को फेंक देते हैं भाई, बड़ा गुस्सा आता है। लास्ट टाइम मैंने फेंका हुआ है 5 किलो घी दिया था मम्मी ने। और एनीवे ये आ गया भाई अपना एग्जिट। चलो फिर यहाँ से लेनी है हमने टैक्सी, टैक्सी के लिए इधर राइट। चलो फिर राइट चलवाओ ना। देखो अराइवल से निकलने के एकदम बाद ना राइट हैंड साइड पे अपना टैक्सी रैंक है यहाँ पे, तो यहाँ से आप टैक्सी ले सकते हो। अगर आपके पास ऐसे ज्यादा बैग है, हमारे पास कई बैग है, तो वो जो टैक्सी मैन साथ में ही खड़ा होगा वहाँ पे ना एक बंदा आपको आपके लिए कहेंगे ना अरेंज कर देगा बड़ी टैक्सी। तो अभी वही टैक्सी की किल्लत है यहाँ पे, वही कमी है, तो वेट करनी पड़ेगी। और भावना कैसा लग रहा है वेदर? ठंडा लग रहा है ना, ठंड काफी है। तो भाई देखो एक भी टैक्सी नहीं आया यहाँ पे इस टाइम, और टैक्सी का काम सुबह बड़ा बिजी हो गया डबलिन में ना, जो आपने मेरी वीडियोस देखी है। तो एनीवे बड़ी वैन का वेट करें क्योंकि काफी सामान है, तो ये बड़ी वैन में आएगा। तो वो बंदा सामने खड़ा है ना जैकेट पहन के, वो बुलाता है भाई यहाँ पे वैन को, तो ये अपना छोटी गाड़ी इसमें तो आएगा नहीं अपना सामान। और जो वेदर है ना भाई इस टाइम ना 2 डिग्री टेम्परेचर है, तो इंडिया के मुकाबले काफी सर्दी है। इंडिया में था भाई अराउंड 30 डिग्री, तो यहाँ पे तो बहुत सर्दी है। चलो भाई सारा सामान आ गया, चलो बेटा बैठा जाओ आज आज। तो भाई ये अपना डबलिन एयरपोर्ट और सनराइज होने वाला है, देखो कितना बड़ी हो रहा है। तो भावना कैसा लगा डबलिन आया का इंडिया ते? अच्छा क्या डिफरेंस लगा? लेकिन इस ना तो भाई परेशान कर रहे बहुत ज्यादा। रायन अगर वो खड़े अपनी राम प्यारी भी, चलो आज 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 थैंक यू थैंक्स। तो भाई वो खड़े अपनी राम प्यारी और चले फिर ऊपर बाय। अगर याद है कुछ याद आ गया वो इसके होकर वो है घर अपना। हाँ ठीक है। और गाड़ी कहाँ पे अपनी राम प्यारी वो खड़ी? लो भाई सबसे पहले तो ना हीटिंग चलावा है ना, ठंड हो रही है इस टाइम डबलिन में। और ये शुरू हो गया काम पर, बेटा रेस्ट कर ले थोड़ी देर, सारी रास्ते से तो भाग आया। ठीक है चलो कोई नहीं चला थोड़ी देर। चलो भाई आप खोलने लग रहे अपना बैग वगैरह जो टूटने फूटने का सामान है, भावना पिक्चर देख जो हम लेके आए इंडिया से ना स्पेशल बनवाएगा, होपफुली वो पिक्चर ना टूट गई, बीच में रख रही थे अपना कपड़ों के। और ठीक है ये ना टूटी तो नहीं। और आई होप यू एंजॉय द व्लॉग। अगर आपको कोई क्वेश्चन है डबलिन दिल्ली से एयरपोर्ट जब आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो या फिर आ रहे हो आज के टाइम में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, पता कर सकते हो। और हाँ अगर आप चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर।